स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिशनल गुरु जी में। मेरा नाम है प्रकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप YouTube पे वीडियो किस तरह से पोस्ट करके उसमें से पैसे अर्न कर सकते हो। ये एक YouTube का पार्ट टू वीडियो है मेरा। यहां पे मैंने एक और वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा ट्यूटोरियल, जिसमें आप यूट्यूब पर वीडियो किस तरह से पोस्ट करोगे, किस तरह से बाकी सब थंबनेल वगैरह सब चेंज करोगे और उसमें से किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। अभी ये पार्ट टू वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल का, ताकि आपके YouTube वीडियोस पे ऐड आ सकें और आप उस ऐड से जो है पैसे, अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकें। सो गाइस, ये चैनल के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस फर्स्ट वाले वीडियो का, और आप उस फर्स्ट वाले वीडियो पे जाकर के पूरा का पूरा बेसिक जो है वो देख सकते हो। और उसके बाद में गाइस, ये जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, ये वाला वीडियो, यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मोनेटाइजेशन का बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको चलना होगा अपने मोबाइल फोन के गूगल क्रोम वाले ब्राउजर पे। तो मैं चलता हूँ गूगल क्रोम वाले ब्राउजर पे और यहाँ पे हमारा जो गूगल क्रोम है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे गाइस देखिए, डायरेक्ट मैं अपने यूट्यूब पे आ गया हूँ। आप भी इसी तरह से डायरेक्ट अपने यूट्यूब पे जा सकते हैं। आपको बस करना ये होगा कि देखिए, यहाँ पे जब ये ट्रिपल जो डॉट है सबसे ऊपर में आपको देखना है कि ट्रिपल डॉट है, ट्रिपल डॉट के बाद में ना, मतलब पूरा एक ऊपर में जो टास्क बार है youtube.com जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे एक ट्रिपल डॉट है। वहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सबसे नीचे में रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। तो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये जो आपका गूगल क्रोम है वो डेस्कटॉप की तरह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि मोबाइल पे थोड़ा सा दिक्कत होता है मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए, तो इसलिए आपको जरूरत होगा डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप की तरह आप जाकर के इसे खोल सकते हो। उसके बाद में जिस पेज पे अभी मैं हूँ उस पेज पे जाने के लिए गाइस, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको फिर से करके बता देता, बट यहाँ पे मैं फिर से करके आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि इस डेस्कटॉप साइट को करने के बाद में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि जिस जगह पे मैं टच करूँ उस जगह पे सही से टच काम नहीं करता है। तो आप इसे आराम से कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको जाना है डेस्कटॉप साइट, जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपको जाकर के youtube.com सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com। बस इतना आप टाइप करोगे तो आप YouTube पे चले जाओगे, आपका YouTube जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कोने में तीन आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है अपलोड का ऑप्शन, एक घंटी है जो कि नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, और तीसरा जो गोल बना हुआ है वो मेरे चैनल का आइकन है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था चैनल का आइकन वगैरह क्या होता है, सभी कुछ आपको वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। सो गाइस, ये जो चैनल का आइकन है यहाँ पे पहले लिखा रहेगा साइन इन, तो साइन इन पे जाकर के आप क्लिक करोगे। उसके बाद में आप अपने गूगल के अकाउंट को, जो कि आपका जीमेल अकाउंट होगा, उसको यहाँ पे आप डालोगे। डालने के बाद में गाइस आपका ये अकाउंट पूरा कंप्लीटली खुल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहीं पे इस जो ये जो किताब का आइकन दिख रहा है ना, आपके चैनल का जो भी आइकन होगा वहाँ पे जाकर के आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो जैसे ही गाइस दिखाई देगा, आप वहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ साइड में दिखाई देगा, जैसे यहाँ देखिए अभी साइड में आपको चैनल वगैरह सब दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से सब दिखाई देगा। बट यहाँ चैनल जो दिखाई देगा, जैसे आप चैनल पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ मोनेटाइजेशन वगैरह देखिए नीचे में सब कुछ लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन सब कुछ। तो आप चैनल पे जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाकर के पहुँच जाओगे। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे हमको देखना है एक एक ऑप्शन को। यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, ये सभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मोनेटाइजेशन ऑप्शन है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है हमारा मोनेटाइजेशन ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इनेबल्ड। नॉट इनेबल्ड का मतलब गाइस यहाँ पे ये होता है कि हमारा मोनेटाइजेशन जो है वो अभी तक इनेबल नहीं हुआ है, मींस हम यहाँ से अभी पैसे अर्न नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, अपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनेबल वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं इनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा गाइस, यहाँ पे मेरे को बताएगा कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को आपको यूज़ करना होगा। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्या क्या है सभी कुछ आपको गाइस यहाँ पे बता दिया गया है। अभी मोनेटाइजेशन का जो स्टेटस है वो है 10,000, जो कि अभी आपको नया नया गाइस पता होगा कि अप्रैल महीने से 10,000 व्यूज़ जब तक आपके यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं हो सकता। आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाएगा, और उसके बाद में गाइस जैसे ही 10,000 व्यूज़ आपके कंप्लीट होंगे उसके बाद से ही आपका मोनेटाइजेशन जो है एप्लीकेबल हो पाएगा। मीन्स 10,000 व्यू आपके टोटल फुल चैनल पर, जब 10,000 व्यू कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ही ऐड आएगा आपके चैनल पर। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरह से 10,000 व्यू कंप्लीट करें, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन अप फॉर एडसेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एडसेंस अकाउंट के थ्रू आपको पैसे मिलते हैं, सब भी कुछ डिटेल्स गाइस वहां पे आपको है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा ना आए, तो अगर आपको ये वीडियो के कुछ भी वर्ड